ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं जी बहुत ही जबरदस्त बड़े दिल वाले प्यार वाले बाबा जी के पास। इनका बाबा जी का ढाबा के नाम पर सरहंद के पास, जैसे ही आप फ्लाईओवर उतरेंगे लुधियाना की तरफ से दिल्ली की तरफ को, तो आपको लेफ्ट साइड पे खड़े मिल जाएंगे जो इनके एग्जैक्ट लोकेशन है। कई वीडियोज में गलत लोकेशन है और आप इनको मिलाते हैं जबरदस्त खाना और बहुत ही प्यारे विचार वाले बाबा जी हैं। आज मिलाते हैं उनसे। बाबा जी सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? सत श्री अकाल सर साहब, सत श्री अकाल। सारे बाबा जी के नाम तो जानते हैं, तुम्हारा नाम की है? शुभ नाम। मेरा नाम मतलब यशपाल तलवार है। यशपाल तलवार। ये बाबा जी का ढाबा मैं एक ट्रेडमार्क रखा है। अच्छा जी। आम तौर ते जे कदे जावांगे उथे लिखिया होगा बाबे दा ढाबा। हाँ जी हाँ जी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। 7 ਸਾਲ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੂ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੂ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੈ, ਪੁਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲ ਉਤਰਦੇ ਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੜੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਕੌੜੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਕੌੜੇ। ਪਕੌੜੇ? ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦੇ, ਪਕੌੜੇ ਡਾਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਚਾਵਲ ਹੈ? ਚਾਵਲ। ਚਾਵਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਕੋ ਹੈ। ये साग है? साग भी खत्म। घर का बना हुआ साग है सर? देसी घी है जी? जी नहीं, देसी घी नहीं, मक्खन पाईदा है। मक्खन पांदे जी? मक्खन पा के कितना समय लग जाता है जी इन्हें बनने की? तकरीबन 6 घंटे। 6 घंटे ते उसके साथ क्या मक्की की रोटी होती है? मक्की की रोटी, सरसों का साग। ये देखो बड़ा था तवा एक बाबा जी ने लगा रखा है जिसके ऊपर गर्मा गर्म रोटियां। रोटियां आप घर से बना के लाते हैं? बिल्कुल जी, सारा खाना घर पे तैयार होता है और सब कुछ मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। अपने हाथ से आप? बिल्कुल। दूध जमाता हूँ, लस्सी रिड़कता हूँ, मक्खन निकालता हूँ, लस्सी ये बड़ी, मक्खन ये बड़ा, हर चीज हैंडमेड है। चटनी है, अदरक का अचार है, गाजर शलगम गोभी का अचार है, मूली का अचार है, अदरक का अचार है और हल्दी का अचार है और हरी मिर्च का अचार है। कई प्रकार के मेरे को 6-7 प्रकार के अचार होते हैं, लोग बड़े शौक से खाते हैं, हर चीज लोगों को पसंद आती जी, है। यहाँ पे अचार पड़े हैं जी, ये गाजर शलगम का अचार, साथ में अदरक का और मक्खन, घर का गाय के दूध का बाबा जी खुद रिड़ के निकालते हैं और लस्सी, लस्सी भी रखते हैं। ये देखिए लस्सी चाटी दी होंगी जी? हाँ जी। ये देखो ये हल्दी का अचार है और ये अदरक का अचार है। अदरक का ये ओल्ड स्टाइल जो नींबू वाला होता है अचार जी, वो बना हुआ है। ये नींबू वाला? नींबू वाला नहीं है। नींबू? ये जामुन के सिरके वाला है। जामुन का सिरका सबसे कॉस्टली है। अच्छा जी। हाँ, जामुन, जामुन के सिरके वाला अचार जी मैंने कभी नहीं खाया जी, आप जरूर आज टेस्ट करके दिखाएंगे और साथ में लस्सी चाटी की। मेरे पास जितने भी अचार बनते हैं। अच्छा जी। वो उसमें जामुन का सिरका डाला जाता है। जामुन के सिरके? जामुन का सिरका मतलब सेहत के लिए फायदेमंद है, नुकसान तेजाबी जो तेजाब डालते हैं वो 20 रुपए 15 रुपए वो नुकसानदायक है। अच्छा जी। और जामुन का सिरका हर एक इंसान को हर सीजन में कम से कम 200 ग्राम तो पीना चाहिए, सेहत के लिए फायदेमंद है, वही चीज बनती है। बाबा जी के जी यहाँ पे पक्के ग्राहक लगे हुए हैं, हमें पता है कि लोग आते जाते जिन्होंने एक बार यहाँ पे स्वाद ले लिया ना वो 10 मिनट अपना रास्ते में टाइम ज्यादा लगा देते हैं लेकिन रुकते जरूर हैं इनके पास। 2 घंटे आपको 2 घंटे लगे भाई साहब यहाँ पे वेट करने के? लुधियाना से आए। अच्छा जी, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, जैसे घर खा रहे हैं, घर का खाना लग रहा है। अमेरिका से बंदा आया, 2 महीने खोजता रहा, जब देख लिया बार के आया, फिर मैडम आई। क्योंकि वो गुरु वाले बंदे हैं और बहुत साफ सफाई से खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कीर्त करते हैं और उसका फल उनको बाबा नानक देता है जी। बाबा जी का ढाबा है जी। एक कहां पे? हां, एक ढाबे पे घर वर्गा खाना मिल रहा है अपन। अच्छा, जह जे अपन करे खा रहे हैं ओहो जे बाबा जी के ढाबे ते खा रहे हैं जी। कितना दा स्वाद लगे साहब? बहुत टेस्टी है जी, घर दा फूड है। शेष जीवन है, बाकी जीवन है वो इसे तरीके बीत जाए और इत्थे काम करदे करदे आपां चले जाईए।
बस सेवा का भावना है, मन के विच भावना है। आपने देखा जी, लोग जो भी इनके पास आ रहे हैं, खा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू, पेट तो भर ही रहे हैं, साथ में इनके पास जो ज्ञान है ना, उससे उनका मन भी चंगा होता है, तन भी चंगा होता है। और ये कई बार 3 बजे चले जाते हैं जी। फॉरनर बड़े साडे पंजाब दे, NRI दिल्ली तो जो बाहरों इंडिया से आते हैं, वो जरूर मेरे को आते हैं, 2-4-5 रोज़ मेरे को आ रहे हैं। उन्होंने इच्छा होंगी है भी असी उस बंद जाके मिलिए जोड़ा इन्नी सेवा भावना कम करता है। कीमत क्या होती है बाबा जी? 100 रुपया थाली है। जे किसी को पैसे घट भी होंगे तो मैं ले लैंना। अच्छा जी, कोई ये नहीं भी मैं 100 रुपया थाली रखी है, कोई मैंने घट देना चाहता तो मैं तो भी ले लैं, जवाब किसी ने नहीं। लो जी दोस्तों, फिर हमारी बाबा जी की स्पेशल थाली लगाने लगे हैं बाबा जी। और इसमें देखो जी, अचार इन्होंने डाल दिया, साग डाल दिया, सलाद डाल दिया और चटनी आ गई स्पेशल इनकी। और ये इनका घर का निकला हुआ गाय के दूध का मक्खन है जी, मज़ेदार और शानदार लग रहा है, टेस्ट करके भी बताएंगे। इसके साथ ही हमें देंगे जी ये गर्मा गर्म रोटियाँ, ये घर से बना के लाते हैं। और फिर यहाँ पे शानदार बड़ा सा देखो इनका तवा, इसके ऊपर बढ़िया से सेक के और मक्खन लगा के गर्मा गर्म ये तैयार कर देते हैं जी। जैसा कि बाबा जी ने बताया जी, बहुत ही NRIs बहुत इनको प्यार करने वाले, लुधियाना के, अम्बाला के, और जो भी रास्ते में से निकलते जाते हैं यहाँ से, जिनको पता है इनकी लोकेशन का, वो ज़रूर इनके पास आते हैं। और इनका ये बना हुआ सात्विक साफ सुथरा खाना और बहुत ही प्यार से दिल से बनाया हुआ खाना। और ये देखो जी कितने ज़बरदस्त अचार इनके पास, 6-7 तरह के अचार होते हैं। और ये हमारी थाली में गर्मा गर्म रोटियाँ आ गई जी, 100 रुपये में 3 रोटियों के साथ, ये स्पेशल थाली बाबा जी की, और साथ में इनका स्माइल, वाह जी वाह, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और आपने देखा कितनी मेहनत से बाबा जी बनाते हैं, 7-8 साल से यहाँ, 7 साल इन्होंने बताया इनको इसी जगह पे होने वाले हैं। और बहुत फेमस हैं, 100 रुपये में थाली देते हैं, साथ में साग है, ये देखो जी मक्खन, ये है स्पेशल मक्खन गाय के दूध का, घर का बनाया हुआ बाबा जी के अपने हाथ का। और ये सारा खाना, इतनी चटनियाँ, अचार, हर चीज़ ये बाबा जी खुद बनाते हैं। तो ये देख लिया आपने इतना शानदार खाना, और इसका स्वाद आप तक पहुँचा देते हैं जी। ओए होए होए होए, मक्खन वाला देसी साग है, बढ़िया सा बनाया हुआ बाबा जी के हाथ का, और 100 रुपये की थाली, पहला स्वाद बाबा जी के ढाबे का। वो बिल्कुल मलाई जैसा स्वाद आया, पहले तो मक्खन का अंदर ब्लास्ट होता है, उसके बाद ये शानदार साग, और ये 100 रुपये में खाना मिल जाता है जी। यहाँ पे मक्की की 3 रोटियाँ हैं, अचार है, 2-3 तरह के आपको लेने ले लीजिए, प्याज है, साथ में आपको सैलड मिल गया और साग मिल गया। अभी फिर को करेक्ट करेंगे, 6-7 तरह के अचार हैं जी, बिल्कुल जी, उनके पास 6-7 तरह के अचार हैं, जिसमें उन्होंने खुद ही बताया आपको हल्दी का और कई आइटम्स का है। इसके अलावा आपको कढ़ी चावल भी मिल जाएंगे, अगर आपको कढ़ी चावल खाने हैं, वो भी बहुत टेस्टी बाबा जी बनाते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन यही है उनकी, सरंद नहर वाले पुल को जब उतरेंगे तो उतरते ही साइड में उनका ये सुंदर सा सिस्टम आपको दिख जाएगा लगा हुआ। और बाबा जी अभी बता रहे थे कि उनको तो इस खाना बनाने से, इस काम से इतना इश्क है ना, और उसका स्वाद ना इनको इसमें झलकता है। टाइमिंग है जी सुबह 10:30 बजे बाबा जी यहाँ पे अपना सामान लेकर आ जाते हैं, और 3-4 बजे तक, जब तक ये हारी समाप्ति नहीं होती तब तक, और ये सेकने वाला और बनता है, मज़ा आ गया। और साथ में गाजर का अचार और हरी मिर्च पुदीने वाली चटनी, स्वाद आ गया जी, बहुत ही टेस्टी। और ऐसे ही रब के नेक बंदों से अगर आप मिलना चाहते हैं ना, तो आपको लाइक करना हमारा चैनल, और ये अच्छे से अच्छे एड्रेस और टेस्टी खाने पंजाब के आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपको वादा करना है कि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, और वादा जो हम सबसे मांगते हैं, नशा ना पियो ना खाओ, रब राखा, चाओ।